नमस्कार दोस्तों, मैं रामकरण पीएसए क्लब की तरफ से फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज फिर एक बेहतरीन रिज़ल्ट हम मैडम के साथ से डिस्कस करेंगे। इनको वो रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे उनको दांतों में खाते समय पेन होता है या ठंडा गर्म लगता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे लेडीज़ के साथ भी होती है, जेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी होती है। उसमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें सेंसेशंस ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। हमारे एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, हमारा पेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका रिज़ल्ट आया है। तो मैडम से ही पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी और क्या इन्होंने इस्तेमाल किया आज, इससे इनको ये रिज़ल्ट आया है। तो आपका नाम क्या है जी? परमजीता जी। परमजीत जी, ठीक है जी। परमजीत जी कहाँ से हो? उरी से, दुर्गा नगर से। दुर्गा नगर ही, मतलब दुर्गा नगर ये अम्बाड़ा में पड़ता है जी, दुर्गा नगर से हैं ये। तो परमजीत जी क्या काम करते हो आप? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ जी। ठीक है जी, ये मतलब एक तरह की नौकरी ही है कह लो इनकी, लोगों के घरों में जाके उनके साफ सफाई का काम करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको मैडम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी जी, मेरे को गर्म ठंडा ही लगता था। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम थी। फिर मैं डॉक्टर पे गई हूँ जी। कब से थी ये प्रॉब्लम? मेरे को तो है तो कई सालों से थी जी। कितने, मतलब पाँच छह साल से? ठीक है जी। तो जब से ये प्रॉब्लम थी, आप डॉक्टरों पे गए हो इसको ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, टंडन डॉक्टर पे गई थी। ठीक है जी, कितनी बार गए वहाँ पे? मैं चार पांच बार गई हूँ जी। ठीक है जी, तो आराम लगा था कोई? वो कहते थे दांत ठीक है आपके, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, वो कहते थे कि दांत ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, भी दवाई कहें कि दें आपको हम। आपने बताया नहीं उनको ठंडा गर्म लगता है? बोल लिया जी मैंने। तो फिर वो बस दवाई देते तो ठीक है, फिर ऐसे कैसे हो जाते थे। अच्छा, दवाई देते थे आपको तो ठीक हो जाते थे, और जब दवाई खाना छोड़ दिया तो फिर वैसे के वैसे। ठीक है ना जी। फिर दो ही दिन की देते थे ना, ज्यादा नहीं देते थे। हाँ जी, फिर पेस्ट लिया मैंने, उससे ठीक हुए मेरे दांत। ठीक है जी। हाँ, तो एक बार योगेश जी को बुलाएंगे, तो योगेश जी से भी डिस्कस करेंगे। वो चेयर कर लो इधर, यहीं बैठ जाओ। तो ये माइक आप अपने पास रखो जी। तो योगेश जी नमस्कार। तो क्या, जब आपको मिले थे तो क्या दिक्कत थी इनको? सर हम मिले थे जैसे, माइक थोड़ा ऊपर कर लो ताकि सुनाई दे दर्शकों को। सर मैं आज से 2 से 3 मंथ पहले मिला था इनको जी। तो जैसे हम यहाँ पे आते थे दुर्गा नगर में, आंटी जी के घर आते थे, तो वहाँ पे ये काम करते थे। तो एक दिन आंटी जी ने हमें मिठाई दी खाने को जी। तो मैंने इनको बोला कि आप भी ले लो। तो ये कहते कि मेरे दांतों में दिक्कत है, इस लगती है मेरे दांतों में मिठाई, मैं मीठा खा नहीं पाती। तो मैंने इनको बताया कि जी आप ऐसे ऐसे पेस्ट है, आप लेके ठीक हो सकते हो। तो मैडम ने हमारे पे विश्वास किया और पेस्ट लिया। आज मैडम खुद ही बताएंगे आपको कि कितना राम है। नहीं जी, मेरे को तो राम है, क्यों मैं झूठ बोलती हूँ, राम है बहुत। ठीक है जी। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ पेस्ट पेस्ट दिया, कोई दवाई नहीं दी आपको? पेस्ट दिया जी। मतलब साथियों आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर टंडन जी, जिनका नाम बता रहे हैं अम्बाड़ा में, उनके पास ये जाते थे, वो इनको दवाई देते थे। ठीक है जी, दवाई खाते थे तो दांत ठीक हो जाते थे, दवाई खाना बंद तो फिर वही प्रॉब्लम चालू। ठीक है ना जी। और इन्होंने सिर्फ पेस्ट दिया इनको, और जो हमारा हर्बल पेस्ट है वो इनको दिया गया, हर्बल ही दिया था जी। ठीक है जी, चार पांच तरह के पेस्ट है हमारे। देखो, कोई भी देख रहा है मेरी इस वीडियो को, उनको लगता है कि किसी को कुछ भी दे दो ना, वो दे थोड़ा सा डायग्नोस करके देना होता है। तो इनको हर्बल पेस्ट दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी खाने के लिए, तो ये 100% ठीक है जी। अब कोई दर्द वगैरह होता है जी? कुछ नहीं होता, ठंडा गर्म लगता है, खा लेते हो तो मैं सारा सब कुछ खा लेते हो। ठीक है जी। देखो, ये अपना वो काम तो कर ही रहे हैं आज की डेट में, लेकिन लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमारी जो फीस है, हमारी जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपकी फीस क्या है, हमारी फीस एक ही है जी, आप ठीक हुए हो तो लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, मतलब लोगों की हेल्प करो, उनका जरिया बनो ताकि उनका भी सोल्यूशन हो पाए। ये सोल्यूशन अगर आप करोगे तो आपके अकाउंट में ये प्लस होता चला जाएगा। तो शुक्रिया जी आपका, ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहो। और जो मेरे को सुन रहे हैं जी, हो सकता है आपके परिवार में भी ये प्रॉब्लम हो या आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो वो डॉक्टरों के चक्कर में ना फंसे, अपने घर पे रहते हुए वो अपना
ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।